सूरिः श्री शांति सागरः मंगलम प्रथमो शिष्यः सूरिः श्री वीर सागरः मंगलम वीर सिंधोश्च शिष्या ज्ञानमती सदा मंगलम मातुः निधिः कुर्वन्तु सर्वत्र मंगलम। जिन संस्कृति का पुण्य धरातल जिनके तप से सुरभित है श्रुत संस्कृति का पुण्य नभस्थल जिनके ज्ञान से सुरभित है धरती अंबर मिलकर जिनके ज्ञान को वंदन करते हैं उन माँ गणनी ज्ञानमती को हम शत वंदन करते हैं। संयम का है वर्ष 73वां श्रुत ज्ञान महोत्सव है श्रुत की देवी ज्ञानमती जी का शरद पूर्णिमा उत्सव है पूरे देश व दुनिया में इसकी सुगंध फैलाना है एक बार फिर से प्रभु वीर का शासन धरा पिलाना है। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। श्रुतज्ञानेन भो भव्य श्रुतज्ञानोत्सवं कुरु श्रुतज्ञानमवाप्त्यर्थं श्रुतमात्रे नमो नमः। जलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। भगवान महावीर की छत्र छाया। सरस्वती माता का कृपा प्रसाद षट्खंडागम श्रुत ग्रंथ सामने विराजमान है और श्रुत ज्ञान महोत्सव जिसका कल से शुभारंभ हुआ है परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का 73वां संयम दिवस आ रहा है 17 अक्टूबर शरद पूर्णिमा 2024 को और 73 दिन का ये श्रुति ज्ञान महोत्सव पूज्य माता जी के संयम दिवस के उपलक्ष में आयोजित किया गया है। कल आपने श्रुति ज्ञान के प्रथम मंत्र का जाप्य दिया था आज द्वितीय मंत्र के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जलो सरस्वती माता की जय। ओम रीम जिन्मुखोद्भूत सूत्र कृतांगाय नमः। 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 ओम रीम जिन्मुखोद्भूत सूत्र कृतांगाय नमः।
ओम ह्रीं जिनकोद्भूत सूत्रकृतांगाय नमः। ओम ह्रीं जिनकोद्भूत सूत्रकृतांगाय नमः। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। ये सरस्वती माता के शुद्ध ज्ञान का मंत्र हुआ। अब हमारे बीच में साक्षात सरस्वती माता के रूप में विराजमान षटखंडागम ग्रंथ की टीकाकर्त्री सिद्धांत चिंतामणि संस्कृत टीका को प्रदान करने वाली एवं 550 ग्रंथों की लेखिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं, जिनके संयम दिवस को लेकर यह 73 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आज द्वितीय दिवस पर उनके नाम का भी मंत्र जपें। आप सब ने जो जो वस्तु बादाम काजू अखरोट किशमिश जो भी चीज़ें रखी हों उसको मंत्रित कीजिए सरस्वती माता और ज्ञानमती माता के नाम मंत्र से, और उसको प्रयोग करें, बच्चों को भी खिलाएं, स्वयं भी खा सकते हैं। ये मंत्र की आराधना है तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति में कारण रहेगा। चलिएगा द्वितीय मंत्र करते हैं आज द्वितीय दिवस का। ओम ह्रीं श्री आरिकायै नमः। 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 स्वाहा। 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 ओम ह्रीं प्रथम बाल योगिनी गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ये शुद्ध ज्ञान और सरस्वती माता के और ज्ञान मंत्रों की आराधना हुई है। अब हम आगे आपको ले चलते हैं। जो कल आपकी परीक्षा हुई थी उस परीक्षा का रिजल्ट जानने के लिए सभी लोग आतुर हैं, तो अब आपके सामने परीक्षा फल प्रस्तुत किया जाता है। हमने भगवान महावीर कैसे बने ये पुस्तक आपको 8-10 दिन पहले स्वाध्याय के लिए अध्ययन करने के लिए PDF फॉर्म में भेजा था। आप सब ने उसका अध्ययन किया। कल 6 अगस्त को परीक्षा हुई। जूम चैनल के माध्यम से ही सभी लोगों ने परीक्षा दिया, तो अब जानना है आपको। इसमें कुल 330 प्रतियोगी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किन्हीं किन्हीं के डबल नाम हो गए थे, तो सारी शॉर्टिंग करके और 330 परीक्षार्थी रहे हैं। और इसमें पूर्णांक था 100, 20 प्रश्नों के 100 नंबर थे। 100 में 100 नंबर प्राप्त करने वाले 55 परीक्षार्थी रहे हैं। 55 परीक्षार्थियों ने 100 में 100 नंबर प्राप्त किया। जरा तालियां बजा दें उन सभी 55 प्रतियोगियों के लिए। और 100 में 95 नंबर प्राप्त करने वाले 37 परीक्षार्थी रहे हैं।
और 100 में 90 नंबर 90 नंबर प्राप्त करने वाले 55 प्रतियोगी रहे हैं और बाकी सबके नंबर किसी के 80 किसी के कम रहे हैं, पास तो सभी लोग हैं। तो अब आप लोगों को ये पूरा परीक्षा फल आपको encyclopedia of jainism.com के होम पेज पर लिंक दिया गया है, वहाँ लिख दिया गया है कि भगवान महावीर कैसे बने पुस्तक का परीक्षा फल, और सही उत्तर भी सबके उसी पर हैं। आप नीचे से ऊपर तक पेज को सरकाएंगे तो सभी सही उत्तर भी, अरे देखो इधर देखो कहाँ जा रहा है, सही उत्तर भी मिलेंगे और किसने कितने नंबर प्राप्त किया है वो भी आपको पूरा मिलेगा। तो अब हमारे सामने जो 55 परीक्षार्थी जिन्होंने 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं, जो हमारी पहले की प्रक्रिया रही है, तो हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी यहाँ सामने 55 लोगों की पर्ची, उनके नाम की पर्ची सामने है और उनमें से 3 लकी ड्रा फर्स्ट सेकंड थर्ड के निकलने हैं, उसको निकाल करके नाम बता देंगे ताकि उसके हिसाब से उनके नाम घोषित किए जाएंगे और उनके पुरस्कार उनको पहुंचाए जाएंगे। ये प्रतियोगिता जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज हैं, फर्स्ट प्राइज 700 रुपये, सेकंड प्राइज 500 रुपये, थर्ड प्राइज 300 रुपये, कैश पुरस्कार उनको यहाँ से प्रदान किया जाएगा पेटीएम के माध्यम से। पहला नंबर 12 नंबर आया, 12 नंबर में है जैन पहाड़े सारंग मानिक चंद अकलूज से हैं, जैन फड़े सारंग मानिक चंद यदि उपस्थित हैं जूम चैनल पर तो उन्हें स्पॉटलाइट करें हैं। जैन फड़े पहाड़े हैं, फड़े हैं पीए फड़े सारंग मानिक चंद अकलूज महाराष्ट्र से, उनको सूचित करना। और देखो इनकी डिवाइस किस नाम से है। अगला तो अगर उपस्थिति नहीं है तो फिर कैसे अपना दूसरे का करें क्या, 20 नंबर इसको पहला पुरस्कार माना जाए। मंजूषा नीरज गंगवाल मुंबई से हैं। देखो जो लोग हैं तो हैंडरेज करें ताकि आपको स्पॉटलाइट किया जाए और आप आशीर्वाद भी ले सकें और आपके पुरस्कार की घोषणा भी हो सके। चलिए आगे, तो इनका क्या माना जाए। मंजूषा नीरज गंगवाल मुंबई से हैं, अगर उपस्थित नहीं है तो अपना पेटीएम नंबर भी कैसे देंगे। अच्छा हैंडरेज किया है तो इनको अनम्यूट करो। यही है क्या मंजूषा, ये मंजूषा जी आप ही हैं, ठीक है। ऐसे ऊपर वाले क्या, ऊपर वाले भी अगर हों, जैन फड़े सारंग मानिकचंद जी अकलूज से यदि वो भी उपस्थित हों तो अपना हैंडरेज करें, जो उपस्थित हों अपना हैंडरेज करें। तो इनका पहला पुरस्कार फिर माना जाएगा, है ना। चलिए मंजूषा नीरज गंगवाल मुंबई का पहला पुरस्कार रहेगा। आगे चलिए दूसरा, द्वितीय पुरस्कार 27 नंबर। 27 में रंजना बोहरा जयपुर हैंडरेज करें। रंजना बोहरा जी हाँ हैंड, चलिए आपका द्वितीय पुरस्कार रहा। और नीरज इनका क्या, मंजूषा नीरज गंगवाल मुंबई का पहला पुरस्कार। अब एक और निकालिए, 19 नंबर है ममता महावीर बड़जाते वापी गुजरात। ममता महावीर बड़जाते वापी गुजरात से हैं, अगर उपस्थित हैं तो हैंडरेज करें। ममता जी 19 नंबर ममता महावीर बड़जाते हैं, तो ममता जी आप ही हैं ना ममता,
अच्छा ठीक है, इनका तृतीय पुरस्कार ममता महावीर बढ़ जाते 19 नंबर 19, वापी गुजरात से हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी लकी ड्रा में पुरस्कार प्राप्त करने वाले भाग्यशाली विजेताओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी तरह से आप सब उत्साह के साथ इन परीक्षाओं में भाग लेते रहें। हमारा अभिप्राय ये था कि भगवान महावीर के जीवन चरित्र को आप दिगंबर जैन आगम के अनुसार जान सकें, और जो भी कभी अखबार में या निबंध के रूप में कभी कोई आर्टिकल लिखते हैं तो आप दिगंबर जैन मान्यता के अनुसार ही भगवान महावीर का जीवन चरित्र लिखें। आप लोगों ने उत्साह का परिचय दिया, बहुत अच्छा लगा। सभी परीक्षार्थियों के लिए जिनका लकी ड्रा में नंबर नहीं भी आया, क्योंकि 3 ही जब हम लकी ड्रा निकालते हैं तो 3 ही नाम आएंगे, लेकिन आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपने खूब अपने ज्ञान की वृद्धि की है। अब आज आपको नई प्रतियोगिता हम दे रहे हैं भगवान पार्श्वनाथ की। भगवान पार्श्वनाथ के 10 भाव से संबंधित काव्य कथानक आपको प्रेषित किए जा रहे हैं। सबका PDF सबके लिए भिजवा दें। जूम चैनल पर भी PDF दिया जा रहा है और व्हाट्सएप के माध्यम से आप सबको भगवान पार्श्वनाथ, चूँकि भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक आ रहा है 11 अगस्त को श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक है। बहुत सारे लोग सम्मेद शिखर जाते हैं लाडू चढ़ाने के लिए, अपने अपने नगरों में भी सम्मेद शिखर पहाड़ बना करके या फिर वैसे ही लाडू चढ़ाते हैं। तो भगवान पार्श्वनाथ का भी जीवन चरित्र आपको अच्छी तरह से ज्ञात हो, इसके लिए उनके 10 भाव से संबंधित काव्य कथानक भेजा जा रहा है। जितने भी प्रश्न रहेंगे इसी में से रहेंगे, और जो भी उत्तर देना है आपको जो PDF भेजा जा रहा है उसी से सब लोग उत्तर देंगे। PDF भेजने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर हैं हमारे पास, हमारी बहन जी के पास, उससे तो भेजे जाएंगे ही। जो लोग इस व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े हों वो भी जुड़ जाएं, ताकि आपके पास भी PDF पहुंच सके और आप आगे परीक्षा में भाग लें। इसकी परीक्षा 12 अगस्त को होगी, क्योंकि 11 अगस्त को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक है। आप सब लाडू चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, धार्मिक कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। आज 7 अगस्त है, आपको 7, 8, 9, 10, 11 अगस्त तक अध्ययन करना है। 12 अगस्त को भी अध्ययन करना है, और 12 अगस्त को दिन में 3:30 बजे इसी प्रकार से जूम चैनल पर आप सब लोग उपस्थित होना, और भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित जो पेपर जैसे हम ले रहे हैं इसी तरह का पेपर होगा, यहाँ से लिंक भेजा जाएगा, आप सब उसी में उत्तर भर करके भेजना। ऐसी प्रतियोगिता पहले भगवान पार्श्वनाथ की होगी, उसके बाद तुरंत हम 12 तारीख को हम रक्षाबंधन से संबंधित प्रतियोगिता के लिए भी आपको मैटर भेजने वाले हैं। ये सारे कार्यक्रम इस श्रुति ज्ञान महोत्सव के अंतर्गत चल रहे हैं, चलेंगे। और संक्षेप में अब यहाँ पर जो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति का निमित्त चल रहा है प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का स्वाध्याय, जो विजेता हैं तो कहा जा रहा है कि अपना पेटीएम नंबर जूम चैनल के चैट बॉक्स में लिख करके भेज दें, और जिनको PDF मंगाना है भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित वे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 8171351392, इसी नंबर पर प्रत्येक PDF और जो भी आप क्वेरी करते हैं इसी पर उत्तर आपको मिलता है। एक बार नंबर और सुन लीजिए 8171351392, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप सब इस पर संपर्क करके और भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित 10 भावों का काव्य कथानक का मैटर प्राप्त करें, अध्ययन करें। 12 अगस्त को 3:30 बजे परीक्षा दें। आज हमारे बीच में
पार 16 राजस्थान से परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज के यहाँ से भक्तगण आए हैं और पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के दर्शन करने के लिए आइए, सब लोग श्रीफल चढ़ा लें, आशीर्वाद प्राप्त कर लें। वंदावी माता जी, आचार्य श्री ने आपको आशीर्वाद बोला है और संघ के सभी महाराज जी ने आपको आशीर्वाद बोला है और सभी माता जियों ने आपको वंदामी बोला है। हम लोग पारसोला में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी का शताब्दी महोत्सव मनाने जा रहे हैं 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में। तो आचार्य श्री ने बोला है, आप सबको निमंत्रण दिया है वहाँ पर आने का, तो आप सब वहाँ पर आइए, स्वामी जी और संघ, और माता जी आप आशीर्वाद दीजिए महोत्सव के लिए। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के पास से यहाँ भक्तजन आए हुए हैं, पारसोला के दिगंबर जैन समाज, दशा होमवर दिगंबर जैन समाज से, और वहाँ पे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम 13 से 15 अक्टूबर तक 2024 में संपन्न होना है। और वहीं की कमेटी के पदाधिकारीगण आज आचार्य श्री के समक्ष आशीर्वाद के साथ, आदेश के साथ यहाँ पहुँचे हैं कि पूज्य स्वामी जी और संघ से जो भी सदस्य गण हैं वहाँ पर पहुँच करके आचार्य शांति सागर जी महाराज के इस कार्यक्रम में सब भाग लेंगे। तो सभी पारसोला वाले पदाधिकारियों का संघ की ओर से और दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत भी है। और पूज्य माता जी का आशीर्वाद आपने प्राप्त किया, अब पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी आगे की कार्य को संपन्न करेंगे। हमारे गुरु नाम गुरु आचार्य श्री शांति सागर महाराज का आचार पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है। अयोध्या में पिछले वर्ष पूज्य माता जी ने विजयादशमी के दिन इसका उद्घाटन किया और पूरे देश के अंदर चल रहा है, आचार्यगण इसको मना रहे हैं, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी ने स्वामी जी के लिए निमंत्रण भेजा है, पूज्य माता जी के पास भी ये कार्यक्रम लेकर के आप सब आए हैं। अच्छी बात है कि गुरु नाम गुरु के नाम का जितना भी प्रचार प्रसार करें बहुत ही सुंदर होगा। तो आज ये कार्यक्रम यहाँ हुआ, पारसोला के निवासियों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, समस्त आचार्य संघ को हम लोगों का नमोस्तु प्रेषित है, और आरिका वर्ग को यथा योग्य प्रतिबंदामी वंदामी के साथ सभी आप चलेंगे गुरु भक्ति की ओर। जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी मना रहे हैं आचार्य वीर सागर जी, आचार्य नेमी सागर महाराज जी, उनका भी प्रतिदिन यहाँ पर पूजन चलती है, अर्घ्य चढ़ाया जाता है, और उनकी परंपरा का संवर्धन करने वाली पूज्यगणी ज्ञानमती माता के भी श्रुत ज्ञान महोत्सव में हम सब पूजन करते हैं। तो वही क्रम अभी प्रारंभ करते हैं, अर्घ्य चढ़ाइएगा। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुणेमी सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं, इन पद में चंदनामती अमर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम रीम श्री शांति सागर वीर सागर नेमी सागर आचार्य त्रिमुणेन्द्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिते स्वाहा। जो लो परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता गुरु भक्त्या वयम् सार्ध द्विपद्विते वर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्योन नवकोटि मुनीश्वरान्। ओम रीम तीन कम नौ करोड़ मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निरुपामी थी स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आह्वान नए स्थापन करते हैं, सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी।
ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर समोसठ आह्वननम अत्र तिष्ठ तिष्ठे ठह ठह स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधिकरणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। मुझ ज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपमते स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरवित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे चंद्रम निरुपमते स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुखता चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपमते स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है।